सॉलिड वर्क्स 2050 लेक्चर 8। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिए थे चैम्बर एंड लीनियर पैटर्न्स के सारे टाइप, जो जो हम यूज कर सकते थे। बाकी जो हमने यूज दो पार्ट नहीं यूज किए थे वो हम करेंगे किसी प्रोजेक्ट्स में जब हम अपलोड करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे, रिप, ड्राफ्ट, शेल, रैप और थोड़े बहुत कुछ और टूल्स, जैसे कि फीचर्स में जाएंगे, डोम, स्केल, फ्री फॉर्म, डिफॉर्म और रैप तो हाँ हो जाएगा, कुछ कुछ से टूल। ये जो वीडियो होगी ये लास्ट वीडियो होगी, इसके अंदर हम यहाँ इस वीडियो तक हमने सारे बेसिक्स कवर कर लिए हैं, वो सारे टूल्स यूज कर लिए हैं जो जो हमारे बेसिकली यूज होंगे या होते हैं। बाकी जो चीज है वो हम देखते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था मिरर में प्रॉब्लम आ रही थी, तो एक बार फटाफट 10-20 सेकंड की वीडियो बना, उसमें हम मिरर को कवर कर लेते हैं। टॉप प्लेन स्केच, तो इसे कुछ भी बना लेते हैं, जैसे कि हमने स्लॉट बना लिया, सेंटर ये फिगर से बाहर, एक्स्यू तो करते हैं मिरर फेस, हम ये ले लेते हैं, ये देखिए ये हो गया हमारा मिरर। पिछली बार थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी और ये इस बार हमारे ये हो गया है। मिरर कैसे करते हैं, तो चलिए अब अपना चलते हैं आगे, इसको डिलीट करते हैं। अब हम देखते हैं ड्राफ्ट। ड्राफ्ट बनाने से पहले हमें एक 3D बॉडी चाहिए होगी, तो हम एक 3D बॉडी बना लेते हैं। टॉप प्लेन पे स्केच करेंगे, एक सेंटर रेक्टेंगल, कॉर्नर सेंटर, फिगर से बाहर, एक्स्यू। ये वाली वीडियो हम फटाफट बनाएंगे ताकि ये ज्यादा लंबी ना हो, क्योंकि पिछली कई वीडियो हमारी बहुत लंबी जा चुकी है। तो ये देखिए हमारे पास जो ड्राफ्ट है, एक तो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं और जो दूसरा ड्राफ्ट है वो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। आपको हमने पिछले वीडियो में सिखा रखा है कि यहाँ से यूज कैसे करते हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, तो वैसे करके दिखा देते हैं। ये देखिए 1 डिग्री जितना हम करेंगे ये ड्राफ्ट आ गया, सिंपल आउटवर्ड में ऐसे हो जाएगा। तो अभी हम वहीं से यूज करते हैं, चीज तो वही है जो हम यहाँ से करना है वही वहां से करना है। बाकी इसमें जो है हम उस पर एक एक सरफेस पे भी कर सकते हैं, जैसे उसको तो हमने वो नहीं किया था। एक बस का कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर रख लेते हैं येलो या फिर येलो, ठीक है ये ठीक है। तो हमें यूज करना है ड्राफ्ट, तो हम ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे साइड में एक विंडो पॉपअप हो गई है। तो इसके अंदर क्या है, इसमें है देखिए ये कुछ आइटम टू ड्राफ्ट, ये एक न्यूट्रल पेन है, जिस पेन को सिलेक्ट करेंगे वो नहीं होगा बाकी सारे होंगे। ये फेस को किस फेस को वो करना है हमें ड्राफ्ट में लाना है। इसमें यही फायदा है कि हम एक एक सिंगल सिंगल फेस को ला सकते हैं, जैसे उसके अंदर तो हमने दिखाया था ना पूरी बॉडी ड्राफ्ट हो रही थी, इससे हम सिर्फ एक फेस को भी ड्राफ्ट कर सकते हैं। चलिए सीखते हैं कैसे। जैसे कि मान लीजिए हमने ये सिलेक्ट कर लिया, अब हमें ये इसको ड्राफ्ट करना है, तो हम एंगल बढ़ाते हैं 6-7 ठीक करते हैं। ये देखिए ये ड्राफ्ट हो चुका है, दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा तो इसको थोड़ा एंगल बढ़ा देते हैं, ध्यान से देखिएगा ये ऐसे आ रहा है। ये देखिए
ये जो था ये हमारा कॉन्स्टेंट प्लेन था, और उसके हिसाब से हमारा ये अगर ड्राफ्ट हो गया सिंपल, हम दूसरा यूज करते हैं, दूसरा प्लेन सिंपल हम इसको ये ले लेते हैं कॉन्स्टेंट पे, और हम फेस सिलेक्ट करते हैं, एक ये सिलेक्ट कर लिया और एक ये, दो हमने प्लेन सिलेक्ट कर लिए फेस, सॉरी दो फेस हमने सिलेक्ट कर लिए। अब इसको हम करते हैं एक सेकेंड, ठीक है हमने ये दो फेस सिलेक्ट कर लिए, और अब हम इसको टिक करते हैं। ये देखिए ये हो गया है लेकिन दिख नहीं रहा, एक बार हम फिर से एडिट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ आ रहा है, तो ये हुआ तो है ये। ये देखिए ये हमारे पॉइंट्स भी आ चुके हैं यहाँ पे, अगर हमें वैसे यूज करना है तो। ये हमने बेसिकली दूसरा वाला ले लिया, एक सेकंड डिलीट करते हैं इसको, ग्राफ पे जाएंगे, सिंपल एंगल ले लेते हैं 20, फेस सेलेक्ट करते हैं ये, और उसके बाद फेस ये। एक बार ये देख लेते हैं, और ड्राफ्ट एक्सपर्ट्स पे था हमारे पास जो है ये तीन टाइप के होते हैं, ड्राफ्ट, न्यूट्रल प्लेन, पार्टिंग लाइन और स्टेप ड्राफ्ट। स्टेप ड्राफ्ट तो अभी हम यूज नहीं करेंगे, ये थोड़ा एडवांस लेवल का है और बहुत ही कम यूज होता है। न्यूट्रल प्लेन वही था जो हमने यूज किया है, बेसिकली हम वैसे ड्राफ्ट एक्सपर्ट्स को यूज करते हैं, मैनुअल को आपको यूज नहीं करता, लेकिन कभी कभी हमें यूज करना पड़ता है तो उसके लिए देख लेते हैं कि पार्टिंग लाइन किस चीज के लिए है। जैसे पार्टिंग लाइन किया तो इसमें देखिए ये आ गया डायरेक्शन टू पुल, इससे अब हमें एक एक्सिस लेना है, एक्स वाई या जेड, तो हम ये ले लेते हैं। देख रहे होंगे आपके पास ये आ गया है एरो। अब सिंपल पार्टिंग लाइन, ये जो पार्टिंग लाइन से हमें वही लेनी पड़ेगी जो इसके साथ हो, जिसका एरो से साथ हो, हम इसके साथ दूसरी नहीं ले सकते, कि अगर हम जैसे ये लिया है तो हम ये भी लाइन नहीं ले सकते, क्योंकि तो जिस एरो ये होगा वहीं पे लेना है, बेशक एरो दूसरी साइड हो, बेशक एरो दूसरी साइड हो, डजेंट मैटर, बट ये जो है इसी के साथ ही नहीं, या हम यहाँ पे ले सकते हैं या यहाँ, तो अभी हमने यहाँ ले लिया, चलिए देखते हैं। ये देखिए उसमें ड्राफ्ट हो गया, सिंपल अगर हम वो करेंगे इसकी डायरेक्शन बदल देंगे तो ये बाहर से हो गया, और ये था हमारा ड्राफ्ट, जो वैसे ड्राफ्ट था जो हमने वहां यूज किया था, तो फुल बॉडी ड्राफ्ट होती थी, इससे हम एक एक फेस ड्राफ्ट में ला सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने अगले पार्ट पे जो कि है शेल। शेल देखते हैं शेल क्या होता है। जैसे यहाँ फिगर में दिख रहा है कि ये गोलो बना रही है फिग बॉडी को, तो फिर शेल अप्लाई करते हैं इसी पार्ट पे। यहाँ पे आ गया 10 mm की थिकनेस, ये देखिए लिखा हुआ है थिकनेस, एंटर अ वैल्यू स्टार्ट टू क्रिएट समथिंग। तो अब हम ये फेस सिलेक्ट कर लेते हैं, ये शो प्रीव्यू कर लेते हैं, तो देख लेंगे कैसा है। ये देखिए ये ऐसा है, इसमें शेल आउटवर्ड ले लेते हैं, इसमें जो है आउटवर्ड वो कटेगा, एक सेकंड दिखाता हूँ आपको, टेक करेंगे, ये देखिए ये आउट से कट है, सिंपल है। हम फिर से एडिट करेंगे, आउटपुट को हटाएंगे, ये देखिए अब जो ये शेल है ये इनवर्ट कट है, पहले जो ये था आउटपुट से कट है, आउटपुट से मतलब कि ये बाहर से जो बाहर की जो लेयर है वो कटी है, अब जो है ये इनर लेयर कटी है। तो शेल इसी में ही यूज होता है किसी को भी होलो बनाने के लिए, हम ये बहुत जगह यूज करते हैं। सबसे मेन एग्जांपल तो है अलमीरा, हम जब अलमीरा डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर हमें वो बनाने पड़ते हैं ब्लॉक्स, तो वहां पे शेल का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो बस शेल इसी पर्पज के लिए ही यूज किया जाता है, ये किसी होलो में नहीं कर सकते हम, किसी स्क्वेयर रेक्टेंगल या किसी में ऐसी बॉडी में कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट जो है रिब। रिब किसे यूज होता है, रिब कुछ नहीं है कि जैसे ज्यादा कुछ नहीं है, है तो बहुत कुछ उसमें, जैसे हमें यहाँ पार्टीशन डालना है तो उसमें के लिए हम रिब यूज करते हैं, देख लेंगे कैसे काम करता है। ये देखिए सिलेक्ट अ प्लेन और प्लेनर फेस, हम ये फेस सिलेक्ट कर लेते हैं, अब यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, एस्केप, फिगर से बाहर। ये देखिए ये अब रिब सेलेक्ट हो चुका है, रिब जो है थ्री टाइप्स के होते हैं, इसका एक तो है ये फर्स्ट साइड जो कि ये दिखा रहा है,
है बोथ साइड, फर्स्ट साइड बोथ साइड मतलब एक जैसे येलो येलो इस पे करेंगे तो खाली एक साइड पे है येलो लाइन, एक साइड पे बोथ साइड पे जब हम देखेंगे तो ये दोनों पे आ गया, और एक ये है सेकंड साइड, ये दूसरी साइड आ गया। सिंपल में हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, देखिए डायरेक्शन चेंज हो गई, ये नॉर्मल टू हो गई, नॉर्मल टू स्केच, और जो ये है वो है जो उसकी अपनी आती है कॉन्सेंट। एक सेकंड कहाँ गया, एक बार टिक बना करते, नहीं हो रहा, नॉर्मल टू में देखते हैं। एक सेकंड वो मैंने गलती से वो हिला दिया है, डिस्कार्ड चेंजेस। प्लेन हाइट डिलीट करते हैं, इस प्लेन को भी डिलीट कर देते हैं। अब एक बार ये फेस लेते हैं, फेस से हम करते हैं स्केच, यहाँ लाइन यूज करते हैं, एस्केप, फिगर से बाहर। अब यहाँ देखते हैं रिब, ये देखिए, अब इस पर टिक करेंगे तो ये नहीं ले रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब नॉर्मल टू में देखते हैं, ये देखिए नॉर्मल टू में इसके फिगर के जो नॉर्मल जो बेस था उसके नॉर्मल पे एक ब्लॉक बन चुका है जिसने इसको पार्टीशन कर दिया, ये एक ब्लॉक इधर हो गया, एक ब्लॉक इधर हो गया। सिंपल वे में हम रिब को यूज करते हैं किसी भी ब्लॉक को पार्ट, किसी भी होलो सेक्शन को, होलो सेक्शन में पार्टीशन डालने के लिए, जैसे कि ये पार्टीशन आ गया। चलिए एक बार फिर से यूज करते हैं रिब का, एक बार फिर से अब ये फेस सेलेक्ट करते हैं, स्केच करेंगे, लाइन बनाएंगे, ये यहाँ से यहाँ तक। मे बी ये नहीं बनेगा क्योंकि हमने एकदम बिल्कुल उस पर ले लिया है कॉर्नर पे, लेकिन फिर भी ट्राई करके देखते हैं क्या बनता है या नहीं। अगर नहीं बने तो आपको डेफिनेटली आपने या तो स्केच गलत दिया होगा या रिप की डायरेक्शन गलत होगी, जैसे अभी रिप काम नहीं कर रहा था, सिंपल वैसे ही। एक बार रिप लिया, यहाँ पे हम इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, एक सिंगल साइड ले लेते हैं थिकनेस कर देते हैं, एक दूसरी साइड ले लेते हैं थिकनेस कर देते हैं 40 mm, और फ्लिप टू मटेरियल साइड, ये इसका एरो चेंज होता रहेगा किस डायरेक्शन में हमें देना है, और सिलेक्ट कंट्रोल्स वही है ये जो हमने सिखाया था आपको पहले ही, अभी करने की जरूरत नहीं है। हम इसको भी ड्राफ्ट में ला सकते हैं अगर इस पर क्लिक करें, जो जैसे कि हमने ड्राफ्ट किया था जो सीखा है, तो ये भी ड्राफ्ट बन के जाएगा, नीचे एज से टकराएगा, लेकिन अभी हमें इसकी जरूरत है नहीं, तो टिक करते हैं। तो देखिए बन गया, इसकी एक बार थिकनेस कम करते हैं, थिकनेस हमने कुछ ज़्यादा ही दे दी इसकी, 30 mm बहुत है, 10 ही देते हैं और टिक करते हैं। ये देखिए एक होलो बन गया, इसी के लिए ही हमारा जो रिब जो है वो यूज होता है। अब देखते हैं अपना आगे रैप, रैप किस पर्पस के लिए यूज होता है, तो अब देखते हैं कि रैप क्या होता है। उसके लिए हमें एक बॉडी बनाते हैं, 3D बॉडी, इस पर स्केच करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाते हैं, एक्सयू, तो इसका जो डाया है थोड़ा कम कर देते हैं, चलिए थोड़ा सा ज्यादा, 60-70 बहुत है। इसका कलर थोड़ा चेंज करते हैं, अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी, ये ठीक है, ये ठीक है, और लाइट कलर है, थोड़ा अच्छा लग रहा है दिख यूज करने में। तो अब देखते हैं रैप क्या होता है। रैप यूज करने से पहले हमें एक फिगर बनानी पड़ेगी, इस पर तो एडिट करेंगे नॉर्मल टू, ये सारी चीजें हमने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखा रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा जरूर से, क्योंकि उसके बिना आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा आगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ये देखिए ये हमने फिगर बना दी,
उस फेस पे हमने फिगर बना दी। अब देखिए रैप का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ चुका है। रैप किस पर्पज के लिए होता है? रैप 3 टाइप के होते हैं, एम्बॉस, डीबॉस, स्क्राइब। एम्बॉस देखते हैं एम्बॉस किस काम आता है। एम्बॉस के लिए ये है कि ये कह रहा है कि अब प्लेन सिलेक्ट करो, प्लेन हम ये फेस सिलेक्ट करो, सॉरी फेस हमने सिलेक्ट कर लिया है और ये थिकनेस ले रहा है 6 mm। चलिए 6 mm ठीक है, फुल डायरेक्शन का यूज बाद में करेंगे, कोई यूज नहीं है इसका ज्यादा, इसको जस्ट एक डायरेक्शन देने के काम में होता है। और सोर्स स्केच, स्केच 11 ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, अगर आप यहाँ नहीं आता तो आप इसको कर लीजिएगा, नहीं तो बनेगा नहीं। ये देखिए 6 mm ये ऊपर हो गया, रैप बन गया। थोड़ा और इसको बढ़ाते हैं, ये देखिए अब इजली समझ आ रहा है, ये जो है हमारा रैप बन गया 20 mm का। ये था हमारा इम्बॉस। अब हमने देखे थे 3 टाइप के रैप है, इम्बॉस, डीबॉस, स्क्राइब। इम्बॉस ऊपर है तो डेफिनेटली डीबॉस अंदर की साइड होगा, या को पता होना चाहिए, वैसे जरूर नहीं है पता होना चाहिए। टिक करेंगे, ये देखिए अंदर की साइड से 20 mm जो है, 20 mm में पता नहीं कितना है, जितना भी है 20 mm है, ये कट कट गया, रैप बन गया इसके अंदर। ये बहुत यूज टूल, यूजेबल टूल है, हम इसको बहुत जगह यूज करते हैं। और जो तीसरा है वो है स्क्राइब। स्क्राइब कुछ नहीं है, बस जैसा है वैसे ही रहेगा, बस फेस अलग कर देगा। फेस अलग का मतलब एक ये फेस हो गया अब और एक ये फेस हो गया, दो अलग अलग फेस बन गए हैं। इस पर बस एक लाइन बनी रहेगी और कुछ काम नहीं करेगा ये रैप। ये तो हमने सीख लिया, अब ऑलमोस्ट सारे टूल सीख लिए 3D के। अब जो हम यहाँ पे जो शोन हो रहे हैं, इंटरसेक्ट अभी यहाँ पे यूज नहीं होगा, हम इसको आगे करेंगे किसी प्रोजेक्ट में। अब जो हम यहाँ पे थोड़े से टूल्स और देखते हैं, फीचर्स में जाएंगे, इस जितनी भी चीजें हैं ये हम आने वाले प्रोजेक्ट्स अगर हम यूज करेंगे, उनको अपलोड करेंगे तो वहां पे यूज होगा, तो आपको सिखाया जाएगा। लेकिन बेसिक्स में अभी आपको कोई जरूरत नहीं है सीखने की, और ऑलमोस्ट आपने सीख लिए होंगे बहुत सारी चीजें, जैसे 3D स्केच, स्केच, एक्सप्लोर व्यू। एक्सप्लोर व्यू आपने नहीं देखा होगा, टेबल्स। टेबल्स में कुछ नहीं है, जो डिजाइन बन जाता है उसको हम उसमें सारी एंट्री करते हैं, किसने बनाई है, कब बनाई है, क्या बनाई है। शीट मेटल अभी हमने यूज ही नहीं की, वेल ये तो अभी हमने यूज ही नहीं करा, इसका बेसिक्स तो अभी हम सीखेंगे, अभी तो हम जस्ट वैसे बेसिक सीख रहे हैं। ये देखिए हमने ये सीख लिया सारा, एक्सट्रूड, रिवोल्व, प्लेनर, फ्लैटर, फिलेट। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो जो जो मोस्टली यूज होता है वो हमने सीख लिए हैं इसके अंदर, सारे तो नहीं। जैसे कि हमने ये नहीं सीखा फ्लैटर क्या होता है, रेडिएट क्या होता है, रूल्ड सर्फेस भी नहीं सीखा, फ्री फॉर्म अभी हम सीखेंगे इसमें, ऐसे ही सिंपल फेस, डिलीट, मूव ये सिखा दिया गया है, हेलिक्स ये तो सब आगे सिखाएंगे, ये रेफरेंस ज्योमेट्री, प्लेन सिखा दिया गया है, एक्सिस बता दिया गया है, कोऑर्डिनेट्स बता दिया है। पॉइंट में भी अभी यूज नहीं हुआ, लिंक पॉइंट नहीं, पॉइंट अभी यूज नहीं हुआ, बट पॉइंट भी वैसे ही है। तो अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं स्केल। स्केल जैसे कि आपने देखा होगा हमने 2D में यूज किया था, हम इसको स्केल कर सकते हैं, इसके 2 टाइम्स इसको दे सकते हैं, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, जितना भी नीड है, या आधा भी कर सकते हैं। 2D में तो हमने देखा था, अब चलिए 3D में देखते हैं। 3D में 3 टाइप के होते हैं, सेंट्रोइड, ओरिजिन, कोऑर्डिनेट सिस्टम। चलिए पहले सेंट्रोइड देखते हैं, इसको कर देते हैं 2 टाइम। ये देखिए जो हमारी डायमेंशंस हो गई है वो 2 टाइम्स ही हो चुकी है। एक बार हम इसको वैसे भी देख लेते हैं, इसको डायमेंशन देके, नॉट लॉर्ड सॉलिड वर्क्स, ओके। अभी डायमेंशन नहीं दे सकते हम, 2D में तो दे देते थे, 3D को 3D में हम ऐसे 2D में डायमेंशन दे सकते हैं, उसको एडिट करना पड़ेगा, उसको स्केच पे जाके उसको देनी पड़ेगी। चलिए तो फालतू का झंझट है, जैसे बड़ा हो गया 2 टाइम्स हो गया, अब देखिए 3 टाइम्स करते हैं, 3 टाइम्स हो गया। सिंपल हम इसको कर देते हैं ओरिजिनल से हाफ, 0.5 ठीक करेंगे, ये देखिए आधा हो गया ओरिजिनल साइज से। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा है ओरिजिन, ओरिजिन से 2 टाइम करते हैं इसका, 2 टाइम्स,
ये देखिए जो इसका ओरिजिन था यहाँ पे, जो भी उसका ओरिजिन था वहाँ पे है, ये रहा। इस ओरिजिन पे ओरिजिन फिक्स था और वैसे उसका 2 टाइम्स बढ़ गया है। देखिए फिर से देखें, ओरिजिन हट जाता है तो फिर नहीं देख पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन ओरिजिन से बड़ा है, ओरिजिन से ही बड़ा है। अब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको सिखाया था पिछली वीडियो में कैसे सेट करते हैं, अगर आपने नहीं देखी तो देखिए आप, तभी सीख लेंगे। बाकी आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पुरानी सारी वीडियो देखें तभी आगे बढ़ें, कुछ भी स्किप ना करें। तो ओरिजिन हम ये दे देते हैं, एक्स एक्सिस इसको देते हैं, वाई एक्सिस इसको देते हैं, जो एक्स था वो हमने इसको दी थी। देखिए ये आ गया एक्स वाई जेड, देख रहा होगा आपको, जूम कर देता हूँ, एक्स वाई जेड ठीक करेंगे, कोऑर्डिनेट डिफाइन हो गए हैं। जूम करके दिखाता हूँ, थोड़ा नहीं दिख रहा आपको तो ये देखिए, थोड़ा टेढ़ा करके दिखाता हूँ, ये आ गया कोऑर्डिनेट सिस्टम 1, इसका नाम आ गया। यहाँ पे भी देख सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम 1। तो हम इसको क्या कर रहे थे, स्केल स्केल करेंगे, एडिट इसको, अब जाएंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। कोऑर्डिनेट सिस्टम जब गए देखिए, कोऑर्डिनेट सेलेक्ट नहीं हुआ, एक बार क्रॉस करेंगे, फिर से हम यहाँ पे स्केल जाएंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम ये देखिए, अब ये सिलेक्ट हो गया है, 2 टाइम्स कर देते हैं इसको, तो ये एक्सिस जो है कांस्टेंट रहेगा, तो इससे पड़ेगा मतलब, एक बार स्मॉल करके देखते हैं, ये 3 पॉइंट तो सेम एक ही जगह रहेंगे, बाकी फिगर बढ़ जाएगा। ये देखा, ये वहीं पे ही है और ये बढ़ गया, तो बस यही था स्केल में। तो डिलीट करते हैं अब इसको, हमें अभी यूज नहीं करना इसको, कोऑर्डिनेट्स को भी डिलीट कर देते हैं। अब देखते हैं अपना अगला टूल, टाइम क्या हो गया, 22 मिनट। अगला टूल जो है वो है, फीचर्स में जाते हैं, डोम। डोम क्या है देख लेते हैं, क्या है ये, हमने सिलेक्ट करा फेस, यहाँ पे आ गया इस साइज, हम इसको जितना बढ़ाएंगे उतना ये डोम बन जाएगा। ये देखिए, ये जस्ट एक बॉडी के ऊपर एक दूसरी बॉडी बनाने के लिए होता है डोम। ये देखिए, ये बन चुका है हमारा डोम, एक नई 3D बॉडी अटैच हो गई है उस बॉडी पे। एडिट करेंगे, यहाँ से आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, बाकी एलिप्टिकल डोम जो है वो एलिप्टिकल में बन जाएगा, बाकी इसकी कोई जरूरत है नहीं। ये जो है ये डायरेक्शन देने के लिए, कि इस डायरेक्शन में हो और ये कितने भी कॉन्स्टेंट पॉइंट और स्केच पे है, ये अभी हमने यूज नहीं करते क्योंकि ये कुछ यूजेबल नहीं है इस फिगर में, इस पे क्लोज कर देते हैं। तो ये था हमारा डोम, एक बार बाकी भी देख ही लेते हैं क्या फर्क पड़ता है। डायरेक्शन हम दे देते हैं ये, वैसे यूज नहीं, बेसिक्स में इसका कोई यूज नहीं है। थोड़ा स्लो चल रहा है, ये देखिए अब जो है ये डोम कर चुका है अंदर की साइड। अगर हम उसको बाहर करेंगे, चलिए वैसे ही देख लेते हैं वैसे कैसा आता है। ये देखिए, ये डोम अंदर बन चुका है, बेसिकली एक सॉलिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी के अंदर एक सॉलिड बॉडी बन गई, इसका क्या यूज आ गया, इसको आउटर में देखेंगे, आउटर में कैसे बनता है। आउटर में भी नहीं है, वहीं बना है वापिस से, उसी इस एक्सिस में उसी के अंदर ही बन रहा है, तो इसको एडिट करके उसको हम हटाई देते हैं। क्लियर सेक्शन, आउटसाइड और टिक, एक बार हम वो देख लेते हैं बस, एलिप्टिकल डोम कैसे है।
इलेक्ट्रिकल टर्म, ये देखिए जैसे हमने इस पर टिक किया है, ये देखिए ध्यान देखिएगा फिगर एकदम चेंज हो गई है, एलिप्टिकल बन चुकी है, ये देखिए। तो ये था हमारा डॉम। अब देखते हैं अपना अगला टूल। तो अगला हमें सीखना है, सीखना तो क्या बहुत कुछ है, लेकिन बेसिक्स में क्या सीखना है वो है फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म और डीप फॉर्म बहुत ही कम यूज होते हैं, लेकिन चलिए देख लेते हैं। फ्री फॉर्म देखिए, जैसे फ्री फॉर्म पे हमने वो क्लिक किया, ये कह रहा है फेस, कह रहा है फेस सेलेक्ट करिए, हम इस फेस को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या आ चुके हैं, बहुत सारे वो बन चुके हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर बॉक्स क्या बोलते हैं, चलिए कुछ भी बोलते हैं, स्क्वायर बॉक्स बोल देते हैं अभी के लिए, स्क्वायर बॉक्स बन गए हैं। और यहाँ पे जो फेस ट्रांसपेरेंसी, ज़ेब्रा स्ट्रिप्स, अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो दीजिए अपने हिसाब से, वैसे किसी को जरूरत है नहीं, ये भी ज़्यादा यूजेबल नहीं है। थ्रू पॉइंट्स देखते हैं, और एक है कंट्रोल पॉलीगन, अभी हम थ्रू पॉइंट देख लेते हैं। एड कर्व्स, ये देखिए ये अभी जैसे दिख रहे होंगे एक लाइन आ रही है इसके ऊपर, अगर हम फ्लिप डायरेक्शन कर देंगे तो लाइन बट एक्स एक्सिस हो जाएगी या अपोजिट हो जाएगी, कुछ भी कह सकते हैं आप, जो आपके एक्सिस पे है। एक यहाँ दे दिया और एक यहाँ दे दिया। अब हम इसको ऐड पॉइंट कर्व्स पे हटा देंगे तो देखिए हट गया। अब हमें क्या करना है, ऐड पॉइंट्स, ये जो है यूज होती है ज्यादा नहीं लेकिन बेसिकली हो जाती है। एक सेकंड है, तीसरा पॉइंट, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक यहाँ और एक यहाँ, और जब ये यूज होती है तो फिर हम उसको कर लेते हैं। बेसिकली यूज वहाँ होती है जहाँ पे डोम की बहुत मतलब कम ही यूज होती है लेकिन होती है। अब देखिए हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, इसकी डायमेंशन, ये जो कर्व्स देने होते हैं किसी बॉडी पे ये हम तब यूज करते हैं। मैं आपको अभी ऐसे बता नहीं पा रहा कि हम कब कैसे यूज करते हैं इसको, लेकिन आप देख लीजिए कि हम कैसे यूज कर रहे हैं, तो आप भी समझ जाएंगे इसका यूज किया है और कहाँ पर है, नहीं तो आगे प्रोजेक्ट करेंगे तो वहां तो यूज होगा तो बताएगी। ये देखिए ये हमारी एक कोई फिगर बन चुका है, इसको एक बार चेंज करते हैं, थोड़ा सा पॉइंट्स को बहुत ज्यादा बाहर आ गई, बॉडी स्क्रैच हो जाएगी, स्क्रैच वो हम इसमें देखते हैं एनालिसिस जब करते हैं। देखिए ये बन गई हमारी बॉडी फ्री फॉर्म में, कैसी बन गई वो आप देख लीजिए, जो हमने पॉइंट छेड़े हैं उसके हिसाब से तो ऐसे ही बनेगी, बाकी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो हम यूज करेंगे तो अब इसकी अलग ही दिखेगी ये, अभी हम तो बस समझने के लिए कर रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं डिफॉर्म, डिफॉर्म कर्व्स, तो यहाँ पे कह रहा है इनिशियल कर्व, हम ये ले लेते हैं H1 और ले लेते हैं H2। ये देखिए प्रीव्यू कैसा आ रहा है इसका, टिक करेंगे, ये देखिए जो वो पुरानी बॉडी थी वो डिफॉर्म हो गई है इस इन पॉइंट्स के ऊपर, एजिस पे। तो ये था हमारा डिफॉर्म टूल, हम डिफॉर्म टूल कैसे यूज करते हैं, इसको फिलेट दे देते हैं, चलिए छोड़िए क्या फायदा। अब जो अगला तो आता है हमारा वो है रैप, हम कर चुके हैं स्प्लिट बॉडी, स्प्लिट बॉडी मूव कॉपी डिलीट, ये तो लगता नहीं मुझे सिखाने की जरूरत है मूव कॉपी कैसे होता है, बाकी फिर भी अगर आपको देखना है तो बता देते हैं। इसके लिए हमें पहले स्प्लिट करनी पड़ेगी, एक बार इसको स्प्लिट करते हैं बॉडी को, एक एक्सिस ले लेते हैं, राइट प्लेन एक्सिस ले लिया है, साइड
स्केच करते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं नॉर्मल टू, फिगर से बाहर एक्सक्यूट कर देंगे बिल्कुल 1 mm में, 1 mm टिक कर देंगे क्या होगा, नहीं ले रहा कोई दिक्कत नहीं है, 11 mm ले लेंगे। ये देखिए ये जो है बीजे हमारा वैसे हो जाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा वो आ गया इस पर, कम करते हैं इसको 5 mm देखते हैं, 5 mm, यस 5 mm हो रहा है तो 5 करते हैं, टिक कर दिया। अब हम देखते हैं स्प्लिट बॉडी क्या होती है, स्प्लिट बॉडी नाम से पता चल रहा है स्प्लिट कर देगी इन दोनों को, फीचर्स स्प्लिट। तो ये देखिए ये ट्रिम टूल, हम इसमें इसको फेस को रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे जिसके बेस पे वो होगी, ये रेक्टेंगल हमें सेलेक्ट कर दिया कट पार्ट, ये देखिए दो अलग अलग आ गई है, इसको ऑटो असाइन नेम कर देंगे, द पार्ट हैज नॉट बी सेव प्लीज सेव बिफोर ऑपरेशन। चलिए छोड़िए नाम छोड़िए, ये नन नन ये है जो देखिए, अभी एक अलग बॉडी हो गई है, ये अलग बॉडी हो गई है, टिक कर देते हैं इसको, ये नहीं ले रहा पता नहीं क्यों, डबल क्लिक तो बॉडी और सिलेक्ट अ बॉडी कॉलर ग्राफिक्स कट पार्ट, ये अलग हो गई ये अलग हो गई है, तो ये ले क्यों नहीं रहा, कुछ गलती कर रहे हैं लगता है। अब हम वहाँ टिक नहीं कर रहे थे जैसे कि आपने देखा, ये अभी हमने टिक किया, ये देखिए अभी हमारा एक अलग हो गई है और एक अलग बॉडी हो गई है, स्प्लिटर बीच में आ चुका है, स्प्लिटर से ये एक स्प्लिटर अलग हो चुका है और वो अलग हो चुका है। सिंपल ऐसे ही हम जो करते हैं, एक बार देखते हैं हमारी सही हुई नहीं है मुझे लगता है, एक बार हम क्लियर सेक्शन करते हैं, नो एक सेकेंड, एक बार हम इस बार स्प्लिट, एक बार स्प्लिट को डिलीट करके फिर से यूज करते हैं, एक थोड़ी सी कुछ गलतियां हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, गलतियां होंगी तभी तो सीखेंगे, आप भी मैं भी, एक्सपर्ट तो कोई होता नहीं है फर्स्ट टाइम में। तो एक बार हम ये फेस सेलेक्ट कर लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, एक बार कट करते हैं, तो देखिए अलग हो चुकी है, लेकिन वहां पर ये देखिए एक ये अलग हो चुकी है और एक ये अलग हो चुकी है, पूरी उस पर एक नहीं आ रहा, और एक बारी हम एक बार इसको ले लेते हैं, कट करते हैं फेस 3, अब एक बार टिक करेंगे, ओके। ये देखिए अभी हमारे एक अलग आ चुका है, वैसे अगर आप देखें सिलेक्ट करेंगे पूरी बॉडी, तो देखिए ये एक अलग आ गया और एक ये अलग आ गया। तो यही थे हमारे कुछ टूल जो हमने सीखे हैं बेसिक्स में, बाकी जो मुझे नहीं लगता है सिखाने की जरूरत है आपको, मूव करना डिलीट करना, डिलीट हो जाएगी उसे बोलिए, डिलीट करना सेव करना ये आप सबको आता ही होगा, नहीं तो आप यूज खुद करिए कोई दिक्कत नहीं है, डिलीट वाले में डिलीट कर देगी, इस पर किया ये डिलीट हो गई, ये देखिए ऐसे अंडो करेंगे, वो बॉडी आ जाएगी। तो डिलीट करना मूव करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो ये आज के लिए बस इतना ही, ये हमारा सॉलिड वर्क का बेसिक्स पार्ट जो था वो अब हमारा खत्म हो चुका है, देखिए यहाँ से मूव हो जाएगा, देख लीजिएगा। तो बस हमारा सॉलिड वर्क का बेसिक्स सब खत्म हो गया है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, अब मिलेंगे अपनी की नई सीरीज पे जो है असेंबली, उसमें हम असेंबली करना सीखेंगे, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।